दो नंबर वाले जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, देखिए ऐसे है तीन और दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, तीन नंबर ये दो नंबर है, तो इन दोनों को पहले ये हॉरिजॉन्टल मेथड होता है, ये वर्टिकल मेथड। इतना लंबा टेबल तो आता नहीं, ना 12 का टेबल इतनी बार पढ़ पाएंगे, ना इसका टेबल इतनी बार पढ़ पाएंगे। तो हम इसको जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर उतार लेते हैं, जो छोटा नंबर है मल्टीप्लाई के निशान के बाद उसको नीचे उतार लेते हैं। ये मल्टीप्लाई का निशान हम लगा देते हैं। अब ये वाला नंबर छुपा लेते हैं, ये वाला वन छुपा लेते हैं, जो टू के बगल वाला है इधर वाला जो नंबर होगा वो छुपा लेंगे। अब इस टू से इसको मल्टीप्लाई, इसको इसको, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। टू से जब एट को करेंगे, टू एट जा 16 आया ना, 16 का जो नीचे इधर सीधे हाथ की तरफ नंबर है वो नीचे लिखेंगे, उल्टे हाथ की तरफ जो नंबर है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। टू एट जा 16 का 6 कैरी लगा 1, ठीक है, ये वन जो है उधर कैरी लगे। अभी ये कैरी छुपाए रहेंगे, अब क्या करेंगे, टू से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम ये भी छुपाए हुए हैं और ये वाला कैरी भी छुपाए हुए हैं। 2 7 का कितना हुआ 14, टेबल नहीं याद होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 7 का 14 में 1 ऐड किया 15 आया ना, 15 का 5 नीचे 1 ऊपर, 5 नीचे 1 ऊपर, ठीक। अब 2 से अभी ये कैरी छुपाए रहेंगे, यानी कि 6 एक साथ कर दिया, पहले छुपाए रहेंगे कैरी। 2 6 था 12 में 1 ऐड किया 13, ठीक है। अब हम याला नंबर छुपाए हुए थे, याला 1 है ना, अब ये 1 समझ लिया, ये 2 की जगह पे आ गया, 2 हट गया, 2 का काम खत्म, 2 समझ लिया कट गया। अब ये मल्टीप्लाई का निशान जो है यारे नंबर के नीचे उतरेगा, ये इसके नीचे उतरा, अब ये 1 2 की जगह ले लेगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 1 पहले 8 से होगा, 1 8 ज़ा 8, 5 के नीचे लिखेंगे, यारा नंबर होता है उसके नीचे लिखते हैं। 1 7 ज़ा 7 नंबर के नीचे नंबर, फिर 1 6 ज़ा 6, ठीक। अब इन दोनों को इतना हिस्सा जो है हम ऐड कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 में कुछ नहीं ऐड किया, 6 बचा 8 5 13, 13 का 3 कैरी लगा, 3 1 4 7 4 11, 11 का 1 हाथ से लगा, 1 6 2 8, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसी तरह आप तीन नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये दो नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन था, आप तीन नंबर वाला देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ओके। हाँ, तीन नंबर वाले कैसे करेंगे, देखिए पहले हम ये दोनों नंबर छुपा लेंगे, ठीक है। पहले हम 6 से इन सबको करेंगे, फिर 5 से इन सबको करेंगे, फिर 4 से इन सबको करेंगे, ठीक। लेकिन याद रखिएगा, जब यहाँ दूसरा नंबर उतारा था तो याला क्रॉस का निशान पहले नंबर के नीचे आया था, तब यह हमने इससे हमने किया था, ठीक है। यहाँ पे 4 5 छुपा लेंगे, 6 से करेंगे। 6 2 12 का 2 कैरी लगा 1, 6 5 था 30 प्लस 1 31 का 1 कैरी लगा 3, है ना। अब देखिए 6 को पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 था 0, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो या 0 किसी से मल्टीप्लाई हो 0 आता है। 6 0 था 0, 0 प्लस 3 3, ठीक है। 6 1 था 6, ये याद रखिएगा, 6 0 था 0, 0 में प्लस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 0 में कोई मल्टीप्लाई होता तो 0 होता, लेकिन प्लस करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 के बाद 5 है तो 5 की बारी आई, तो इससे पहले ये मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पे आएगा, 5 से सबको करेंगे। 5 2 था 10, 10 का 0 कैरी लगा 1, ये अलग। 5 5 था 25, 1 26 का 6 कैरी लगा 2, पुराने कैरी हटा दो। 5 0 था 0, 0 प्लस 2 2, 5 1 था 5, देखिए बाहर निकल गया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब 4 की बारी आई, तो ये वाला निशान अब 2 बार उतारेंगे। जब 3 नंबर होता है तो 2 बार निशान होता है, जब चौथा भी नंबर होता है तो 3 बार निशान उतरता है क्रॉस का, ठीक है। 4 2 8 करेंगे सबसे पहले इसी इधरी से शुरुआत, 4 2 8, 4 5 था 20 का 0 कैरी लगा 2, 4 0 0 0 प्लस 2 2, 4 1 था 4, बाहर निकल गया। अब इन सबको इतना हिस्सा ऐड कर लो, 2 में कुछ नहीं ऐड किया 2, 1 में 0 ऐड किया 1 ही बचा, 6 3 9 8 17 का 7 हाथ लगा, 6 7 2 9 9 का 0 सॉरी 9 का 9 कोई कैरी नहीं, 5 2 7 और 4, क्लियर है। और एक नंबर वाले डिजिट वाले सवाल आपको पता ही है, एक नंबर वाले सिंपल सवाल ऐसे होते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दो नंबर वाले ऐसे, तीन नंबर वाले ऐसे, चार नंबर वाले, ये सारे सवाल करेगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा।